पनीर टिक्का बहुत ही गजब का स्वादिष्ट है ये। इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक खा सकते हैं, जब चाहे तब बना के खा सकते हैं। इतना बढ़िया और स्वादिष्ट लगता है। और ये रेस्टोरेंट में कितना महंगा मिलता है, इसे घर में बना के खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए आज बनाते हैं यम्मी टेस्टी पनीर टिक्का। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से हमने यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च को थोड़े से धनिया को अच्छे से कूट लिया है। इसे मिक्सी में पीसिएगा, हाथ से कूटिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बाकी आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने कुछ बेसन भून लिया है, थोड़ा सा बेसन भुनना है आपको मध्यम आँच पे, तेज़ आँच में मत भूनिएगा, चल जाएगा। बहुत ही हल्का हल्का धीरे धीरे से भूनते जाइए भूनते जाइए। बढ़िया से हमें बेसन भुनना है ताकि उसका स्मोकी फ्लेवर आपके पनीर टिक्के को और स्वादिष्ट बना दे। तो बढ़िया से हमने यहाँ बेसन अच्छे से भून लिया है। जब तक बेसन भून रहा है आपको सारी वेजेस कट कर लेनी है। बेसन भूनते समय आज का बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसानी से, क्योंकि बेसन जल जाता है। अब यहाँ पर हमने कुछ वेजेस ली हैं, आप जो भी चाहे वेजेस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने वो वेजेस ली हैं जो हम उसके स्टिक में लगा सकें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लिया और उन्हें बड़ा बड़ा क्यूब्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम फ्रेश दही लेंगे, खट्टा दही बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, फ्रेश दही लीजिएगा। यहाँ पर मैंने गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और ये हमने जो पेस्ट बनाया था ना अदरक लहसुन का, वो डाला है मैंने। और यहाँ पर हम भुना हुआ अपना बेसन डालेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पर आप मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तीखा वाला आप अपने हिसाब से, जितना आपको तीखा पसंद हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ की है और इतना तीखा मेरे लिए सफिशिएंट है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और हाँ, नमक भी डाल लीजिएगा यहीं पर ही। सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद उसमें एक नींबू स्क्वीज़ कर दीजिएगा। और बढ़िया से सारी सब्जियों को प्लस पनीर को यहाँ पर मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए, कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। जब भी आपको ये डिश बनानी हो तो आप 3 घंटे पहले प्रिपरेशन कर लीजिए। आप इसे तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ना, तो जो सारे फ्लेवर्स हैं वो पनीर के अंदर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और आपकी डिश के फ्लेवर को और ही ज़्यादा एनहेंस करते हैं। तो कोशिश कीजिए आप इस चीज़ को पहले से प्रिपेयर कर लें। आप इस चीज़ को, ये जो डिश है आपने जो बनाई है, इसे आप तवे पे भी बना सकते हैं और गैस पे भी डायरेक्ट भून सकते हैं। बट यहाँ पर मैं तवे पे सेक रही हूँ, क्या है ना, तवे पे बहुत अच्छे से सिकता है। तो अब मैंने एक स्टिक में सारी सब्जियों को लाइन बाय लाइन अरेंज कर लिया है। आप अपने हिसाब से सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं। बढ़िया से अरेंज करने के बाद इन्हें पलट पलट कर अच्छे से मध्यम आँच पे सेक लीजिए। थोड़ा सा सिकने के बाद आँच तेज़ कर लीजिएगा ताकि अच्छे से कुरकुरा हो पाए। और बढ़िया से सेकते जाइए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा चिपक रहा है तो साइड से ऑयल डाल दीजिएगा। और बढ़िया से इसे सेकते जाइए सेकते जाइए सेकते जाइए। करीब 5 से 10 मिनट में एक बहुत ही बढ़िया सा पनीर टिक्का तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। देखिए क्या बढ़िया गजब का लग रहा है ये। जितना स्वादिष्ट दिख रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी है। बहुत ही आसान, देखिए कितनी आसानी से रेसिपी बन गई है। तो पनीर टिक्का आप ही बना के देखिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं, क्या आप कोई अपनी खास रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे बनाते हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग द चैनल।